हेलो फ्रेंड, बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, ये गेहूं का नाश्ता इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है और हेल्दी भी बहुत होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आटे में नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब एक सेमी सॉफ्ट आटा हम इसका तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह हम इसको गूंथ लेंगे। इसमें हमें कोई ऑयल वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, जब भी आपके घर में आलू हो तो ये नाश्ता आप अपने बच्चों के लिए बहुत आराम से बना सकते हैं। इसको आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, हमने इसका आटा तैयार कर दिया है। तो अच्छे से इसको मल लेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं मारेंगे ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसको यहाँ पर हम कवर कर देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 करी पत्ते जो सूखे थे मेरे पास, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर करी पत्ता डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे और भी बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, जिसको हमने चॉप कर लिया है बारीक करके, इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इसमें लहसुन डालना चाहते हैं तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर को बारीक कट करके ऐड कर दिया है इसमें। इसको भी इसके साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो प्याज और टमाटर अच्छे से कुक हो गए। इसमें हमने 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, इसमें ऐड कर देंगे। तो आपके पास अगर जो भी वेजी हो इसमें डाल सकते हैं, तो जैसे कि गाजर है, बीन्स है, तो आपके पास जो भी सब्जी हो, ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर रेडी होता है। बच्चे भी इसी बहाने सब्जियों को खा लेते हैं, तो ये घर में आसानी से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अब इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, हमने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया है और इसमें हमने 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला डालने से इसकी फिलिंग में और भी बढ़िया स्वाद आ जाता है। तो आपके पास अगर गरम मसाला नहीं है तो इसमें आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बॉयल हुए आलू लिए थे, इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है। आप वही नाश्ता रोज खाकर बोर हो गए तो एक बार ये नाश्ता जरूर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो यहाँ पर आलू आप देख सकते हैं इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गए और अच्छे से इसको हमने भून लिया है। तो फिलिंग हमारी कंप्लीट रेडी हो गई है। यहाँ पर इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पर मैदा ली है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल में आप ध्यान रखिएगा कि इसमें गुठली ना पड़े, तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे मिक्स कीजिएगा। तो इसका घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये घोल धीरे धीरे हम बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसी तरह का हमें घोल चाहिए, ये देखिए इस तरह का। तो इसको साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्नफ्लेक्स ली है जो हम नमकीन वगैरह में ऐड करते हैं, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लिए हैं ये चिड़वा। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ इसी तरह लेनी है। अब हम एक मिक्सी जार में दोनों चीज़ों को डाल देंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका बारीक पाउडर नहीं किया है, थोड़ा दरदरा है। तो इसी तरह का हमें ये पाउडर तैयार करना है। तो इसको भी साइड में रख देते हैं। आटे को चेक कर लेते हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा इसी को इसी तरह अच्छे से हम स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरह हम इसको थोड़ा सा मलेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। इसका एक पार्ट लेंगे और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर सब पे थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक इसकी बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मैं आपके साथ और कैसी रेसिपी को शेयर करूं जो आपको अच्छी लगती हो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। तो इसी तरह की हमें एक बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। हमने जो फिलिंग बनाकर रखी थी इसको इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर टमाटो सॉस लगा सकते हैं, उसके बाद इस फिलिंग को इसके ऊपर फैला सकते हैं। बच्चों को टमाटो सॉस बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसकी यहाँ पर एक पतली सी लेयर हमको इसके ऊपर लगानी है। तो पतला पतला ही फैलाएंगे, ज़्यादा मोटा नहीं फैलाएंगे। तो देख सकते हैं हमने इसको इस तरह फैला लिया है, इस तरह। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह हम रोल करते जाएंगे। इसको हल्के हाथ से ही रोल करना है। आप देख सकते हैं इसको इस तरह हल्के हल्के हाथों से रोल करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे।
तो ये गेहूं के आटे का नाश्ता इतना लाजवाब कुरकुरा बनकर तैयार होता है, जब भी आपका मन हो तो इसको आसानी से बना भी सकते हैं, तो ये बहुत पसंद भी आता है सबको। तो इसको इस तरह रोल करते जाएंगे, ये देखिए हमको इस तरह रोल करना है। अब हम इसके क्या करेंगे, इसके किनारों को अलग कर देंगे इस तरह, तो दोनों साइड से इसके कॉर्नर को इस तरह हटा देंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमें इसका एक इस तरह कट करना है। आप देख सकते हैं ये इतना बढ़िया नाश्ता बनकर रेडी होता है, देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गेहूं के आटे का नाश्ता बहुत ही बढ़िया लाजवाब बनकर तैयार होता है। अगर आप यहाँ पर गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैदा की रोटी भी बना सकते हैं, दोनों से ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह पीसेस में कट कर लिया है, इसी तरह हमें सारे पीसेस कट करने हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्लरी तैयार करके रखी थी इसमें डिप करेंगे और हमने जो कॉर्नफ्लेक्स और चिड़वा का जो हमने चूरा बना के रखा था इसमें इसको अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह, और एक ही करके इसको गर्मा गर्म तेल में हम डालते जाएंगे इस तरह। तो बाकी के भी हम इसी तरह इसमें डालते जाएंगे। तो फ्रेंड बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार होता है, बहुत जल्दी सीख कर तैयार हो जाता है और घर में जो सामान अवेलेबल होता है उससे ये नाश्ता बनकर रेडी होता है, बाहर से कोई सामान लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो कभी भी आप इसको बना सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, चाय के साथ भी ये नाश्ता बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने देख सकते हैं एक एक करके इसमें जितने आए थे उतने डाल दिए हैं। तो अब एक तरफ से सिक जाएंगे तो हम हल्के हाथ से इनको पलट लेंगे, तो बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होता है, तेल को भी अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो इनको निकाल लेते हैं प्लेट में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में, तो खाने में तो लाजवाब होंगे ही। तो ये देखिए मैं एक एक करके इनको इस तरह थोड़े थोड़े कढ़ाई में इस तरह एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर इसको प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो एक बार मेरे कहने से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सीख कर रेडी होंगे, बाकी के भी हम इसी तरह सीख लेंगे। तो चलिए अब इनको सर्व करते हैं, नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है, मिनटों में बनने वाला नाश्ता है और इतना क्रिस्पी नाश्ता है जिसकी मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए है ना कितना कुरकुरा नाश्ता। तो आप एक बार अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लाजवाब नाश्ता है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।